प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 21 नवंबर 2014 को जारी स्पष्ट निर्देश के बावजूद 8 माह बीत जाने के बाद भी भदोही जिले के सूर्यावां ब्लॉक के बलीपुर गांव निवासी इंदू सहित 50 मुस्लिम परिवारों के यहाँ लोहिया आवास न बनने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोहिया आवास मिले आपके? नहीं, लोहिया आवास सुने में आई है लेकिन मिले तो ना गरीब इनकी लोहिया आवास ना मिले तो यही घर दुआर तो बाटे देखा था गिरत बाटे चूल्हा पे खाना बनाए के नहीं बाटे भीज जात बाटे लड़के सब रात भर भीज जाते हैं पानी बरसा तो बुखार हो जाते शीत गर्म धई लेते जौन बाटे खपड़ा गिरत बाटे चुअत बाटे अप्लीकेशन देते है क्यों नहीं सुनत बाटे न प्रधान सुनत बाटे न तान क्यों जहाँ जहाँ मीटिंग होता हूँ वहाँ पहुँच ले जाता है। का चाहत हो आप? हम ये चाहते जे घर घर बन जाए रहे के मतलब जगह हो जाए। का दिक्कत बा? यही दिक्कत बा कि मड़ाई है कुल चुहा था लड़का बीमार होता है तंग होता है कुल के थरी गुदरी भीज जाता यही दिक्कत बा न प्रधान लोग वास देता है न उस देता है गरीब मना इनके कितना कमाए जो सुई दवाई करा कि घर द्वार बनाए दीवाल वाल कुल गिर गवा बाबा ईठ गवा बा मना ही दवाई ले मच गए गरीब इनके कौन सुनाया ना इन प्रधान करता है। आवास पावे जो कोनो प्रयास करू है? बहुत बलाक बलाक दौड़े प्रधानों की दौड़े कहीं तो है सब के सूची में नाम ही ना आई ना वोट लेवे के रहे तब नाम रहे हम यही चाही था कि हम सब बदे वास आई जाए सुख से दुई कवर खाई के आराम से रही बाल बच्चा से यह साहब मढ़ई बा चुआ था रहा जगह ना आने रोटी पोवे की दिक्कत बा कुल पानी चुआ लड़का कुल भीज जाते हैं कुल देखा था मढ़ई भी आएगा दीवार उधर आता कुल कट कट कर गिरता। पक्का आवास बा? ना है पक्का आवास ना आने पक्का आवास ना रहे इसका दिक्कत होता? अरे पक्का आवास रहे बढ़िया से रोटी पके रहे साधन रह जाए बढ़िया से। मैं और मेरा मुसहर समुदाय चाहता है कि समाज कल्याण विभाग के उपरोक्त आदेश का जल्द से जल्द पालन हो ताकि मुसहर परिवारों का लोहिया आवास बन सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि सूर्यावां ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454465125 पर दबाव डालकर आप हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।